राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में 800 टैक्सियों के पहिए थम गए हैं। ओला उबर टैक्सी चालकों ने 3 दिनों के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। टैक्सी चालकों ने आरटीओ पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। चालकों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। प्रदेश भर के साथ राजधानी रायपुर में भी अब टैक्सी के पहिए थम गए हैं। आप देख सकते हैं जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं खास तौर पर ओला और उबर के, वो आप यहां पर देख सकते हैं नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर के पूरे जितने भी टैक्सी ड्राइवर है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ मांगों को लेकर के पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ हमारे साथ अध्यक्ष, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। टैक्सी के पहिए प्रदेश भर में थम गए, क्या वजह है जिसकी वजह से आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? मुख्य कारण है हमारा आरटीओ से कि आरटीओ प्राइवेट नंबर की गाड़ियों को रोड में अंधाधुंध चला रही है और हम कमर्शियल गाड़ियों का टैक्स पटा रहे हैं, परमिट बनवा रहे हैं, उसको रोक लगाया जाए या तो उन गाड़ियों को पीली पट्टी किया जाए। अवैध रूप से जो बाइक चल रही है उन बाइकों को अगर पीला पट्टी नहीं कर रहे हैं तो आप उनको बंद कर दीजिए। उसके बाद हमारे को, हम टैक्सी गाड़ी अगर हम रोड पर नहीं खड़े होंगे तो कहाँ खड़े होंगे, हमें जहाँ रोड में खड़े दिखते हैं हमारे पे आके वो नो पार्किंग का चलान काट देते हैं, जबकि पूरे शहर में प्राइवेट गाड़ी अंधाधुंध खड़े रहती रोड में। प्राइवेट गाड़ी चलने की बात आप कर रहे हैं, इससे कितना नुकसान होता है टैक्सी ड्राइवर? नुकसान हो रहा है हम लोगों को, इससे ऐसा नुकसान हो रहा है कि हमारे गाड़ियों की किस्ती पटाने में हमको मुश्किल हो रही है। आज 3 दिन से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, कितनी आप लोगों की संख्या है, प्रदेश भर से कहाँ कहाँ से आए और इसके बाद आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये आंदोलन चल रहा है। भिलाई में भी आज आंदोलन है, वहाँ भी लोग हड़ताल में बैठे हैं। बिलासपुर में भी आंदोलन है, वहाँ भी हड़ताल में है और रायपुर में भी। पूरे प्रदेश में करीबन 800 गाड़ियाँ हैं हमारी जो यूनियन के तहत चलती है और सारी गाड़ियाँ 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठी है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सभी मांगों को लेकर के आप देख सकते हैं नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर जितने भी ओला और उबर यानी कि प्राइवेट टैक्सी के जो ड्राइवर हैं वो यहाँ पर हड़ताल का उन्होंने आह्वान कर दिया। 3 दिवसीय हड़ताल है और चेतावनी दी गई यदि इन 3 दिन के भीतर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो जितने भी प्रदेश भर के जो ड्राइवर हैं सब प्राइवेट टैक्सियों के, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बहरहाल देखना होगा इनकी मांगे कब तक पूरी हो पाती है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 रायपुर। 21 जून को नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसी कड़ी में सूरजपुर में भी योग दिवस को मनाने की 2 जगहों पर तैयारियां तेज चल रही हैं, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सांसे टेकाम शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि योगा करने से तन मन दोनों अच्छे रहते हैं, इससे आदमी अच्छा कार्य करता है, सभी लोगों को योगा करना चाहिए। 21 जून को योगा दिवस मना रहे हैं और आज केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 177 देश भी योगा के साथ जुड़ चुके हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही देन है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योगा के संबंध में बहुत गंभीरता से बातों को रखा और 177 देशों ने इसका समर्थन किया।